मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर विनय चौधरी सर, प्लीज ज्वाइन मी ऑन द स्टेज. ऑल राइट, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विनय चौधरी सर. भारत माता की जय. एक बार बंद मुट्ठी करके एक बार सब लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की. मैं विनय चौधरी, प्रेसिडेंट टॉप गैलेंट मीडिया कंपनी, आपका सभी लोगों का आपका अभिवादन करती है, स्वागत करती है. मैं विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आए केंद्रीय इस्पात एंड ग्रामीण विकास मंत्री, 6 बार के लोकप्रिय सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता और मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी. कुलस्ते जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पधारे. उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री, योगी जी के खास सिपाही, छात्र राजनीति से अपनी मेन राजनीति में आने वाले और गरीब और मजदूरों के मसीहा आदरणीय श्री सुनील बराला जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ. भाई साहब, आप यहाँ पधारे. देश की जानी मानी अभिनेत्री, लीजेंड एक्ट्रेस आदरणीय पूनम ढिल्लो जी, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि मैम आप यहां पधारे. जो लोग आज यहां सम्मानित हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूंगा कि आज जो आज आपका ये मंच है, ये आज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. क्योंकि आपको ये सबको जान लेना चाहिए कि कोई भी अगर सम्मान हमें मिल रहा है, कोई भी अवार्ड अगर हमें आज मिल रहा है, तो कोई भी अवार्ड किसी आम आदमी को नहीं मिलता. आपने कुछ दुनिया से हटके किया है, कुछ अलग किया है, कुछ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, तब जाके आज आपको सम्मानित आप हो रहे हैं. क्योंकि मैं ये बस हमेशा यही कहता हूं कि लोगों को हर अवार्डी के गले की मालाएं तो दिखती हैं, लेकिन कभी उनके पैरों के छालों को कोई नहीं देखता कि उन्होंने कितना संघर्ष किया यहां तक पहुंचने के लिए. ये बहुत बड़ी बात होती है. आप लोग कोई अपने अलग अलग प्रतिभाएं आपके अंदर हैं, आप संघर्ष करके यहां तक पहुंचे और आज आपको आप सम्मानित हो रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है. तो मैं आप सभी जितने अवार्डी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं. इन सभी अवार्डीज के लिए मैं 2 शेर पढ़ना चाहूंगा कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा. और मेरी जिंदगी एक मदस्तर सफर है, मेरी जिंदगी एक मदस्तर सफर है, मंजिल पर पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी गई. ये लोग ना मील का पत्थर देखते हैं, ना मंजिल देखते हैं और ना कभी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा प्रयास करते हैं. तो बस मैं यही कहूंगा, माननीय मंत्री जी, कुछ लोग होते हैं कि देश के अंदर कुछ अलग कार्य करते हैं और उनको पद्मश्री मिलता है, अलग सम्मान मिलता है, लेकिन इन लोगों के लिए यही पद्मश्री है और यही सम्मान है देश का. तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है. आज यहाँ मुझे बताया गया कि आज कुछ यहाँ महिलाएं भी आई हैं जिनको आज अवार्ड मिलने जा रहा है, तो हम भली बात ही समझ सकते हैं कि आज हमारे देश में बदलाव आ रहा है, हमारा देश बदल रहा है. एक समय ऐसा था कि हमें पढ़ाई करते हुए हमें बताया जाता था कि हु इज द फर्स्ट लेडी IPS ऑफ इंडिया, किरण बेदी, जो कि आप और हम सभी जानते हैं. लेकिन आज की हम बात करें तो आज की अंदर देश के अंदर हर तीसरी या चौथी लड़की IPS क्रैक कर रही है. तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है. आप जीते आता उदाहरण है, आप देख रहे होंगे खेलों के अंदर भी एक से एक, सानिया नेहवाल ले लो, सानिया मिर्जा ले लो, या PT उषा जी ले लो, हर कोई अपना दमखम दिखा रहा है. और प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ध्यान देते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं. और आप आज देख रहे होंगे एक अच्छा बदलाव भी देश के अंदर दिख रहा है. मोदी जी ने हमेशा देश के व्यापारियों के हित में सोचा है. हमेशा मोदी जी ने कहा है कि बिना व्यापारियों के देश में बड़ा बदलाव नहीं आ सकता. प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा एक नए भारत की बात करते हैं, नए भारत की संरचना की बात करते हैं, नए भारत के उदय की बात करते हैं. पर मित्रों, नए भारत का उदय तब तक संभव नहीं है तब तक इस देश के जितने व्यापारी हैं उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो जाएगा, तब तक इस नए भारत की संरचना संभव नहीं हो सकती. तो मेरा बस आप लोगों को बस यही कहना है
कि आज यहाँ जितने अवॉर्डी आए उन सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और दो पंक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी से अपने पैरों के छाले ना देखो, अभी से अपने पैरों के छाले ना देखो, अभी तो सफर की शुरुआत होना बाकी है, अभी तो कुछ बूंद उसकी पड़ी है, अभी तो पूरी बरसात होना बाकी है मित्रों, अभी तो पूरी बरसात होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू सर। करुण सर दीप प्रज्वलित करें, चलिए लैंप लाइटनिंग की तरफ बढ़ते हैं। एंड दीप प्रज्वलन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, और सर के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पंडित सुनील बराला सर, एंड सर के साथ मैं मैम को भी आमंत्रित करना चाहूंगी मिसेस पूनम ढिल्लो, शी इज एन अमेजिंग डिवा ऑफ इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म एंड अ पॉलिटिशियन एंड अ फॉर्मर फेमिना मिस इंडिया। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जहाँ पे हैं, चीफ गेस्ट हैं, उनका स्वागत करें, सम्मान करें। सबसे पहले हम स्वागत और सम्मान करेंगे श्री फगन जी सिंह कुलस्ते जी का, और रिक्वेस्ट करूंगी विनय चौधरी सर से, सुमित जी से और समीर जी से कि स्वागत करें जी यहाँ पर। बिल्कुल, मैं चाहूंगी थोड़ी तालियां हो जाए क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत और सम्मान कीजिए श्री पंडित जी सुनील बराला सर का, और उन्हें सम्मानित करेंगे मिस्टर करुण जी एंड मिस्टर विनय चौधरी सर। करुण सर, या बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंत्री जी अपना कीमती समय निकाल हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, सर बहुत बहुत स्वागत। अब हम स्वागत करेंगे पूनम मैम का, एंड उनका स्वागत करेंगे मिसेस शबनम मुमताज एंड विनय सर। शबनम जी एंड मुमताज जी, जी बहुत बहुत स्वागत मैम आपका।